सो ये है एटॉमिक बॉम्ब डॉम। टाइम इज नाइन ओ क्लॉक। ब्रेकफास्ट कर लिया मैकडॉनल्ड से, अब जा रहे हैं क्योटो स्टेशन। पहली बार हॉर्न सुना भाई जापान में, पहली बार हॉर्न सुना। तो ब्रेकफास्ट कर लिया मैकडॉनल्ड्स पे, जा रहे हैं क्योटो स्टेशन। क्योटो स्टेशन से लेंगे बुलेट ट्रेन टू हिरोशिमा। हिरोशिमा का नाम सबने सुना हुआ है, तो ये वहाँ से रिजर्व टिकट मिली है आधे रास्ते की, तो आधे रास्ते में ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी और उसके बाद में अनरिजर्व्ड में जाना पड़ेगा हमारे को। फिलहाल वेट कर रहे हैं ट्रेन की, 5 more minutes to go। यह ट्रेन सोचा नहीं था कि खड़े होकर बुलेट ट्रेन की जर्नी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सेक्शन था शिनकोबे से लेके हिरोशिमा तक, यहाँ पे हमारे को बैठने के लिए मतलब रिजर्व सीट नहीं मिली, तो अनरिजर्व डब्बे में बहुत लोग खड़े हुए हैं, बैठने की जगह नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं है। सो जो दो डब्बे जहाँ पे ज्वाइन होते हैं वहाँ पे खड़े हो गए जैसे इंडिया स्टाइल में, बट बुलेट ट्रेन की जर्नी खड़े हो गए। ट्रेन क्योटो टू हिरोशिमा 1 घंटा 45 मिनट। सो टोटल जर्नी थी लगभग 380 किलोमीटर की। अगर आप अपनी कार पे करोगे 380 किलोमीटर इट विल टेक यू अराउंड 5 आवर्स, बट हमारे को लगे 1 घंटा और 45 मिनट ट्राइंग टू फाइंड द टैक्सी स्टैंड हेयर, इधर बोल रहा है लेफ्ट साइड में, ट्राइंग टू फाइंड अ टैक्सी। और हम अभी जा रहे हैं जहाँ पे एटम बम गिरा था हिरोशिमा में। आपको पता ही है हिरोशिमा नागासाकी फेमस है इस चीज़ के लिए, US ने एटम बम गिराया था जापान के ऊपर वर्ल्ड वॉर टू के एंड में 1945 में। सो उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे एटम बम गिरा था। वैसे तो मेजर पार्ट जो था हिरोशिमा का वो फ्लैट हो गया था, पर उसके बाद जापान ने क्या तरक्की की है, और म्यूज़ियम है वहाँ पे, और उस टाइम की एक बिल्डिंग है जिस जो बिल्डिंग ने सर्वाइव किया था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को, वो देखने जाएंगे। मॉर्निंग, थैंक यू। ये भाई ट्रेडिशनल टैक्सी पुराने तरीके की। सो वी गोइंग टू पीस मेमोरियल म्यूजियम। सबसे पहले पीस मेमोरियल म्यूजियम। अंदर आ चुके हैं मेमोरियल म्यूजियम के, और सबसे पहले ये कुछ इमेजेस इन्होंने लगाई हुई हैं बॉम्बिंग से पहले की, कि जब एटम बम गिरा था उससे पहले सिटी कैसी दिखती थी। बाय द वे आपको बता देता हूँ, जो टिकट है वो 200 येन की है, लगभग 100-125 रुपये हो गए पर पर्सन। तो
सो 70,000 लोग तो उसी दिन मर गए थे, लेकिन एक अंदाज़ा है कि साल के एंड तक, एंड ऑफ 1945 तक, लगभग 1.5 लाख लोग इस एक्सप्लोजन की वजह से मर गए थे। सैड और डिप्रेसिंग फीलिंग है, जितने भी लोग निकल रहे हैं सबकी काफ़ी डिप्रेसिंग, उनका चेहरा देख के समझ में आ रहा है सब लोग बिल्कुल क्वाइट हैं, क्योंकि काफ़ी सोबरिंग यू नो जो इमेजेस हैं, जो बचे हुए बिल्डिंग के पार्ट्स हैं, लोगों के घरों के बर्तन, इवन कपड़े, वो सब वहाँ पे डिस्प्ले में है। तो एक्सप्लोजन तो बुरा था ही, उसके बाद पूरा शहर जो है वो बादलों से ढक गया था, और उसके बाद जो बरसात हुई, इवन वो जो बरसात थी वो भी ब्लैक रेन थी, और बरसात का जो पानी था वो रेडियो एक्टिव था, तो जो लोगों ने वो पानी पिया उसके बाद में उनको काफ़ी बीमारियां लग गई। कई लोगों की स्टोरीज़ हैं जो सर्वाइव कर लिया था जिन्होंने, बट लेकिन धीरे धीरे कुछ सालों में उनको बीमारियाँ लग गई। जैसे कि एक लड़की की कहानी लिखी हुई है, वो 2 साल की थी और वो अगले 5-6 साल तक बिल्कुल हेल्दी थी, लेकिन 5 साल के बाद उसको कैंसर हो गया, जो कि जब बाद में उनको पता चला कि मोस्ट लाइकली जो रीज़न था कैंसर का वो यही था, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। एग्जीबिशन बहुत बढ़िया थी, बट एट द सेम टाइम वेरी सैड और टचिंग स्टोरीज़। जो कुछ आर्टिफैक्ट्स थे, कपड़े थे, उनकी किताबें वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें छोटी मोटी बच गई थी, कई ऐसे उनको लेटर्स मिले थे जो लोगों ने लास्ट डे पे अपनी फैमिलीज को लिखे थे, वेरी वेरी टचिंग। क्या न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए और क्या किसी को हक है इतने लाखों लोगों की जान लेने का एक बटन दबा के? इस सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा अगर आप इस एग्जीबिशन में आओगे। अगर आप जापान आते हो, आई हाईली रिकमेंड। दिस विल डेफिनेटली मेक यू सैड, यू विल फील डिप्रेस्ड, बट स्टिल यू शुड डेफिनेटली कम एंड सी दिस एग्जीबिशन एट हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम। सो मेरे पीछे जो पूरी बिल्डिंग है, ये एग्जीबिशन म्यूजियम के अंदर जो एग्जीबिशन है वो है। अब हम लोग जा रहे हैं पीस, जो हम लोग अभी गुजर रहे हैं ये पीस मेमोरियल पार्क है, और हम लोग जा रहे हैं एटॉमिक बॉम्ब डोम देखने के लिए। अभी इस समय मुझे लग रहा है कि कोई मेमोरियल सर्विस चल रही है यहाँ पे, कोई डेलीगेशन आया हुआ लगता है। ओके, पता नहीं कौन है वो बंदा, लेकिन सीम्स टू बी सम इम्पोर्टेंट गाय, मे बी हिस्सा किसी कंट्री का, मिनिस्टर वगैरह कोई ना कोई ज़रूर होगा। इमेजिन कि ये सिटी जो है पूरी ख़त्म हो गई थी 1945 में, कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि इन्होंने अगले कुछ डेकेड्स के अंदर पूरी सिटी को बिल्ड कर दिया है, और ये पूरी की पूरी सिटी, कई किलोमीटर तक पूरी की पूरी सिटी ख़त्म हो गई थी। ये दिस इज़ जस्ट हिरोशिमा,
दिस हैपेंड एट नागासाकी एज वेल, 6 अगस्त को यहाँ पे और 9 अगस्त को नागासाकी में सेम ही सिचुएशन थी, और दोनों सिटीज़ जो हैं इस टाइम दे कम्प्लीटली लुक फुल्ली डिवेलप्ड सिटीज़ हैं इस टाइम. ये लुक एट दिस, तो ये है एटॉमिक बॉम्ब डॉम. ओरिजिनली 1915 में बनी थी ये बिल्डिंग, सो नाउ स्टैंडिंग फॉर मोर देन 100 ईयर्स. और 1945 में, क्योंकि जो एटम बम था ना वो ग्राउंड पे आके एक्सप्लोड नहीं हुआ था, वो एयर में एक्सप्लोड हुआ था लगभग 100-150 मीटर ऊपर. सो इस वजह से जो उसका इम्पैक्ट था वो इतना इस बिल्डिंग पे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट इस बिल्डिंग के ऊपर ही था. सो बेसिकली कहते हैं कि जिसकी वजह से इसकी दीवारें बची रह गई थी, क्योंकि ये ग्राउंड पे नहीं था एक्सप्लोजन. इसके अंदर अभी भी जो टूटने के बाद जो पत्थर जो ईंटें टूट टूट के आसपास गिरी थी, वो भी अंदर ऐसी की ऐसी ही प्रिजर्व्ड है. ऑलराइट, पीस मेमोरियल और म्यूजियम देखने के बाद अब टाइम है कुछ इंटरेस्टिंग खाना ट्राई करने का. हिरोशिमा की एक फेमस डिश है जिसका नाम है ओकोनोमियाकी. एक रेस्टोरेंट है पीस मेमोरियल के बिल्कुल सामने ब्रिज से उतरते ही. सो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर ओकोनोमियाकी ट्राई करने के लिए. राइट, सो अभी तक ये समझ में आया कि जो ओकोनोमियाकी है बेसिकली ये एक तरह का पिज्ज़ा है, नूडल से बना हुआ, नूडल सूप होता है जैसे, या उडोन नूडल हो गई. सो हर टेबल के आगे एक ये तवा लगा हुआ है, ये गरम करने लगा दिया उसने, जब तक हमारी आएगी और जब तक हम खाएंगे ठंडी ना हो जाए. एक बार पक के आएगी फिर तवे पे गरम होती रहेगी, फिर यहीं से उठा के खाते रहो. Thank you. थोड़ा थोड़ा यहाँ से लेते रहो और खाते रहो. भाई खाना हो गया, मस्त था, बढ़िया था एकदम. रिपीट कर रहा हूँ मैं ये बात, बड़ी बढ़िया था एकदम. क्योंकि कैमरा ऑन करना भूल गया था, सेम बात दोबारा बोलनी पड़ रही है. बहुत बढ़िया था. अब चलते हैं, बिल पे करते हैं और निकलते हैं वापस क्योटो के लिए. हाँ जी सर, कैसा था? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया ना. स्पेशल Is this allowed in train? They go to Nebo. They can all give us. Okay. Please pass it, yes. 7-Eleven से बियर लिए $2 की. मैंने उससे पूछा, मैं अगर ट्रेन में अलाउड है, कहती यार ट्रेन में अलाउड है, ट्रेन में बैठ के बियर पियो. भाई ट्रेन में बियर अलाउड है यहाँ पे, और स्टेशन पे मिल रही है बियर. बताओ, कनाडा नहीं मिल सकती, अमेरिका कनाडा कहीं नहीं मिल सकती, वहाँ से हरकतें करेंगे लोग. और सिर्फ एक ही चीज़ है, उसने पूछा है कि स्क्रीन पे आएगा आर यू 18 ईयर्स ओल्ड, यस दैट्स इट. कोई आईडी चेक नहीं, कोई कुछ नहीं.